These headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. रियासत के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने क्षेत्रीय स्वायत्तता का राग अलापा है। फारूक ने कहा कि अगर रियासत में एनसी की बहुमत वाली सरकार बनती है तो 30 दिनों में रियासत के तीनों खित्तों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने 2008 और 2014 के चुनावों में पहले ही अपने घोषणा पत्र में इसे रखा था और अगर अब कश्मीर बेस्ड पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं तो ये रियासत के लिए अच्छा है और अगर अब कश्मीर बेस्ड पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं तो ये रियासत के लिए एक अच्छा फैसला होगा। बारामूला के राफियाबाद में आतंकियों के तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अंतिम खबर मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था और किसी भी आतंकी के मिलने की कोई खबर नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं पर हमला बोला है। राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर में पाकिस्तान आतंक और अलगाववादी नेता कश्मीरी लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं जिससे घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जम्मू कश्मीर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान चैंबर्स का कहना है कि रियासत के व्यापारी वर्ग के साथ जीएसटी के नाम पर धोखा किया जा रहा है और जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर अकाउंटेबिलिटी तभी होती है कि जब एक ट्रेडर थोड़ा डिले हो जाता है। अभी हमारे पास अवेयरनेस पूरी नहीं है। पूरी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जब ये जीएसटी लागू होगा एक दो साल लीनियंट व्यू से देखा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये J&K से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं विद द कॉस्ट, क्या कि ये बेचारा बेयर कर पाएगा ये पेनल्टीज, और जो ये आजकल दिखा रहे हैं कि रेवेन्यू एंड नेम एंड शेम किया जा रहा है, फलानी ट्रेडर फलानी जगह हमने पकड़ लिया। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।